अरुण के पुत्र आरुणी जद्दालक को श्वेतकेतु नामक एक पुत्र था। वो 12 वर्ष की अवस्था तक केवल खेल कूद में ही रहा। पिता सोचते रहे कि ये स्वयं ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा करे तो उत्तम है, परंतु उसने वैसी इच्छा नहीं की। तब पिता से नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाकर कहा, हे वत्स श्वेतकेतु, तू जा और सुयोग्य गुरु के समीप ब्रह्मचारी होकर रहे। हे सौम्य, अपने वंश में कोई भी ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने वेदों का त्याग किया हो और जो ब्राह्मण के गुण और आचारों से रहित होकर केवल नामधारी ब्राह्मण बनकर रहा हो। ऐसा करना योग्य नहीं है। तुझे वेदों का अध्ययन करके ब्रह्म को प्राप्त करना ही चाहिए। पिता अरुणी की मीठी उल्लाना सुनकर श्वेतकेतु 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर गया और पूरे 24 वर्ष की अवस्था तक गुरु गृह में रहकर व्याकरण आदि 6 अंगों सहित चारों वेदों का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर घर लौटा। उसने मन ही मन विचार किया कि मैं वेद का पूर्ण ज्ञाता हूं, मेरे समान पंडित और कोई नहीं है, मैं सर्वोपरि विद्वान और बुद्धिमान हूं। इस प्रकार के विचारों से उसके मन में गर्व उत्पन्न हो गया और वो उद्धत तथा विनय रहित होकर बिना ही प्रणाम किए पिता के सामने आकर बैठ गया। आरुणी ऋषि उसका नम्रता रहित औद्धत्यपूर्ण आचरण देखकर इस बात को जान गए कि इसको वेद के अध्ययन से बड़ा गर्व हो गया है। तो भी आरुणी ऋषि ने उस अविनयी पुत्र पर क्रोध नहीं किया और कहा, हे श्वेतकेतु, तू ऐसा क्या पढ़कर आया है कि जिससे अपने आप को सबसे बड़ा पंडित समझने लगा है और इतने अभिमान में भर गया है? विद्या का स्वरूप तो विनय से ही खिलता है। अभिमानी पुरुष के हृदय से सारे गुण तो दूर चले जाते हैं और समस्त दोष अपने आप उसमें आ जाते हैं। तूने अपने गुरु से यह सीखा हो तो बता कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिस एक के सुनने से बिना सुनी हुई सब वस्तुएं सुनी जाती हैं, जिस एक के विचारों से बिना विचार की हुई सब वस्तुओं का विचार हो जाता है, जिस एक के ज्ञान से नहीं जानी हुई सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। आरुणि के ऐसे वचन सुनते ही श्वेतकेतु का गर्व गल गया। उसने सोचा, मैं तो ऐसी किसी वस्तु को नहीं जानता, मेरा अभिमान मिथ्या है। वो नम्र होकर विनय के साथ पिता के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवन, जिस एक वस्तु के श्रवण विचार और ज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं का श्रवण विचार और ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु को मैं नहीं जानता, कृपया आप उस वस्तु का उपदेश कीजिए। ऋषि आरुणी ने कहा, हे सौम्य, जैसे कारण रूप मिट्टी के पिंड का ज्ञान होने से मिट्टी के कार्य रूप घट श्राव आदि समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि घट आदि कार्य रूप वस्तुएं सत्य नहीं हैं, केवल वाणी के विकार हैं, सत्य तो केवल मिट्टी ही है। हे सौम्य, जैसे कारण रूप सोने के पिंड का ज्ञान होने से सोने के कड़े कुंडल आदि सब कार्यों का ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि ये कड़े कुंडल आदि सत्य नहीं है, केवल वाणी के विकार हैं, सत्य तो केवल सोना ही है। और जैसे नख काटने की नहरनी आदि में रहे हुए लोहे का ज्ञान हो जाने से लोहे के कार्य खड़ग परशु आदि का ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि वास्तव में ये सब सत्य नहीं है, एक लोहा ही सत्य है, बस इसी तरह वह ज्ञान होता है। पिता अरुणी के ये वचन सुनकर श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, निश्चय ही मेरे विद्वान गुरु इस वस्तु को नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि वे जानते होते तो मुझे बतलाए बिना कभी नहीं रहते। अतएव हे भगवन, अब आप ही मुझको उस वस्तु का उपदेश दीजिए जिस एक के जानने से सब वस्तुएं जानी जाती हैं। पिता अरुणी के ये वचन सुनकर श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, निश्चय ही मेरे विद्वान गुरु इस वस्तु को नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि वे जानते होते तो मुझे बतलाए बिना कभी नहीं रहते। अतएव हे भगवन, आप ही मुझको उस वस्तु का उपदेश दीजिए
जिस एक के जानने से सब वस्तुएं जानी जाती हैं। अरुणी ने कहा, अच्छा ठीक है, सावधान होकर सुन। हे प्रियदर्शन, यह नाम रूप और क्रिया स्वरूप दृश्यमान जगत उत्पन्न होने से पहले केवल एक अद्वितीय सत ही था। उस सत ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक बहुत हो जाऊं। ऐसा संकल्प करके उसने पहले तेज उत्पन्न किया, फिर उससे जल उत्पन्न किया और तदंतर उससे अन्न उत्पन्न किया। इन्हीं तीन तत्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए। जगत में जितनी वस्तुएं हैं सब तेज, जल और अन्न इन तीनों के मिश्रण से ही बनी हैं। जहां प्रकाश या गर्मी है वहां तेज तत्व की प्रधानता है, जहां द्रव या प्रवाही भाव है वहां जल की प्रधानता है, और जहां कठोरता है वहां अन्न या पृथ्वी की प्रधानता है। अग्नि में जो लाल, श्वेत और कृष्ण वर्ण हैं उसमें ललाई तेज की, सफेदी जल की और श्यामता पृथ्वी की है। यही बात सूर्य, चंद्रमा और बिजली में है। यदि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और बिजली में से तेज, जल और पृथ्वी को निकाल लिया जाए तो अग्नि में अग्निपन, सूर्य में सूर्यपन, चंद्रमा में चंद्रपन और विद्युत में विद्युतपन कभी भी नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार सभी वस्तुओं में समझना चाहिए। खाए हुए अन्न के भी तीन रूप हो जाते हैं। स्थूल भाग विष्ठा बन जाता है, मध्यम भाग मांस बन जाता है और सूक्ष्म भाग मन रूप हो जाता है। इसी प्रकार जल के स्थूल भाग से मूत्र बनता है, मध्यम भाग से रक्त बनता है और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है। इसी प्रकार तेल, घृत आदि तेजस पदार्थों के स्थूल भाग से हड्डी बनती है, मध्यम भाग मज्जा रूप हो जाता है और सूक्ष्म भाग वाणी रूप होता है। अतएव मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजमय है। अर्थात मन अन्न से बनता है, प्राण जल से बनता है और वाणी तेज से बनती है। इस प्रकार श्वेतकेतु ने कहा, हे पिताजी, मुझको यह विषय और साफ करके समझाइए। उद्धालक आरुणी बोले, हे सौम्य, जैसे दही मथने से उसका सूक्ष्म सार तत्व नवनीत ऊपर तैराता है, उसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है उसका सूक्ष्म सार अंश मन बनता है, जल का सूक्ष्म अंश प्राण और तेज का सूक्ष्म अंश वाक बनता है। असल में ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्य कारण परंपरा से मूल में एक ही सत वस्तु ठहरते हैं। असल में ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्य कारण परंपरा से मूल में एक ही सत वस्तु ठहरते हैं। सबका मूल कारण सत है, वही परम आश्रय और अधिष्ठान है। सत के कार्य, नाना प्रकार की आकृतियां सब वाणी के विकार हैं, नाम मात्र हैं। ये सत अणु की भांति सूक्ष्म है, समस्त जगत का आत्मा रूप है। जैसे सर्प में रज्जु कल्पित है, इसी प्रकार जगत इस सत में कल्पित है। हे श्वेतकेतो, वह सत वस्तु तू ही है, तत्त्वमसि। हे सौम्य, जैसे शहद की मक्खी अनेक प्रकार के वृक्षों के रस को एकत्र करके उसको एक रस करके शहद के रूप में परिणित करती है, मधु रूप को प्राप्त रस जैसे ये नहीं जानता कि मैं आम के पेड़ का रस हूं या कटहर के वृक्ष का रस हूं, इसी प्रकार सुषुप्ति काल में जीव सत वस्तु के साथ एक ही भाव को प्राप्त होकर ये नहीं जानते कि हम सत में मिल गए हैं। सुषुप्ति से जागकर पुनः वे अपने अपने पहले के बाघ, सिंह, वृक, शूकर, कीट, पतंग और मच्छर के शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। यह जो सूक्ष्म तत्व है यही आत्मा है, यह सत है, और हे श्वेत केतु, वो तू ही है, तत्वमसि। श्वेत केतु ने कहा,
भगवान मुझको पुनः समझाइए। अरुणी बोले, हे सौम्य, जैसे समुद्र के जल से ही बादलों के द्वारा पुष्ट हुई गंगा आदि नदियां अंत में समुद्र में ही मिलकर अपने नाम रूप को त्याग देती हैं, ये नहीं जानती कि मैं गंगा हूं, मैं नर्मदा हूं, और सर्वथा समुद्र भाव को प्राप्त हो जाती हैं और फिर मेघ के द्वारा वृष्टि रूप से समुद्र से बाहर निकल आती हैं, किंतु ये नहीं जानती कि हम समुद्र से निकली हैं। इसी प्रकार ये जीव भी सत में से निकलकर सत में ही लीन होते हैं और पुनः उसी से निकलते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम सत से आए हैं और यहां वही बाघ, सिंह, वृक्ष, शूकर, कीट, पतंग या मच्छर जो जो पहले होते हैं वे हो जाते हैं। यह जो सूक्ष्म तत्व सबका आत्मा है, यह सत है, यही आत्मा है, और हे श्वेत केतु, वह सत तू ही है, तत्त्वमसि। ऋषि उद्धालक अरुणी ने आगे समझाया, हे सौम्य, बड़े भारी वृक्ष की जड़ पर कोई चोट करे तो वो एक ही चोट में सूख नहीं जाता, वो जीता है और उस छेद में से रस झरता है। वृक्ष के बीच में छेद करने पर भी वो नहीं सूखता, छेदों में से रस झरता है। इसी प्रकार अग्रभाग पर चोट करने से भी वो जीता है और उसमें से रस टपकता है। जब तक उसमें जीवात्मा व्याप्त रहता है तब तक वह मूल के द्वारा जल ग्रहण करता हुआ आनंद से रहता है। जब इस वृक्ष की शाखाओं में से एक शाखा से जीव निकल जाता है तब वो सूख जाती है, दूसरी से निकलने पर दूसरी और तीसरी से निकलने पर तीसरी सूख जाती है, और जब सारे वृक्ष को जीव त्याग देता है तब वो सबका सब सूख जाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी जब जीव से रहित होता है तभी मृत्यु को प्राप्त होता है। जीव कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, यह जीव रूप सूक्ष्म तत्व ही आत्मा है, यह सत्य है और यही आत्मा है, और हे श्वेत केतु, वह सत तू ही है, तत्त्वमसि। श्वेत केतु ने कहा, भगवन मुझे और समझाइए। पिता अरुणी ने कहा, अच्छा जा एक बड़ा फल तोड़ कर ला, फिर तुझे समझाऊंगा। श्वेत केतु एक फल ले आया। पिता ने कहा, इसे तोड़कर देख इसमें क्या है। श्वेत केतु ने फल तोड़कर कहा, भगवन इसमें छोटे छोटे बीज हैं। ऋषि बोले, अच्छा एक बीज को तोड़कर देख उसमें क्या है। श्वेत केतु ने बीज को फोड़कर कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख पड़ता। तब पिता अरुणी बोले, हे सौम्य, तू इस वट बीज के सूक्ष्म भाव को नहीं देखता, इस अत्यंत सूक्ष्म तत्व से ही महान वट का वृक्ष निकलता है। बस जैसे यह अत्यंत सूक्ष्म वट बीज बड़े भारी वट के वृक्ष का आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत आत्मा इस समस्त स्थूल जगत का आधार है। हे सौम्य, मैं सत्य कहता हूं, तू मेरे वचन में श्रद्धा रख, यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है वह सत है और यही आत्मा है। हे श्वेत केतु, वह सत तू ही है, तत्त्वमसि। मुनि ने आगे कहा, एक आदमी चोरी के संदेह में पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तूने चोरी की या नहीं, वो अस्वीकार करता है, तब राज्य के अधिकारी जलती हुई कुल्हाड़ी लाकर उसके हाथ में देने की आज्ञा करते हैं। कुल्हाड़ी लाई जाती है और यदि उसने चोरी की है और झूठ बोलकर छूटना चाहता है तो आत्मा को असत्य के साथ जोड़ने के कारण कुल्हाड़ी का स्पर्श होते ही उसका हाथ जल जाता है और उसे अपराध के लिए दंड दिया जाता है। परंतु यदि वह चोर नहीं होता और सत्य ही कहता है तो आत्मा को सत्य के साथ संयुक्त रखने के कारण उसका हाथ उस कुल्हाड़ी से नहीं जलता और वो बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार सत्यता के कारण जलती हुई कुल्हाड़ी से सत्य वक्ता बच जाता है।
इससे सिद्ध होता है कि जीव सत है, वह सत है, वही आत्मा है। हे श्वेत केतो, वह आत्मा तू ही है, तत्त्वमसि। इस प्रकार पिता उद्धालक आरुणी के उपदेश से श्वेत केतु आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त होकर कृतार्थ हो गया।